1, 2, 8 सुपर एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म 3 पर आ रही है। भाईजान, ये ट्रेन को जाने में कितना टाइम लगेगा? कोई आधा घंटा लगेगा। अच्छा, आधा घंटा, चले। ओके कैप्टन फहीम। कैप्टन साहब, कैसे? नजीर खान बिल्कुल ठीक ठाक सर। तशरीफ रखो। चलो, ये अच्छा हो गया कि तुम मुझे मिल गए, अब रास्ता बहुत अच्छा गुजर जाएगा हमारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक तो LOC, ऊपर से दुश्मन इतना चालाक और मक्कार, 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता था सर। मुझे तो नींद भी नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि हर वक्त महाज जंग पर हूँ। और महाज जब गर्म हो तो कोई जवान कैसे सुकून की नींद सो सकता है? और ताल्लुक रहा दुश्मन का तो उसकी मक्कारियाँ तो हमने मकबूजा कश्मीर में देख ही ली थी। और नज़ीर खान, तुम तो इनकी रग-रग से वाकिफ हो। जी सर, पैदा होते ही इस कमज़ब से पाला पड़ गया था। मेरा बाप और मेरा दादा दोनों फौज में थे सर, और इंशाल्लाह मेरा बेटा भी फौजी बनेगा। हम तो पैदा ही इस महाज के लिए हुए हैं सर, बस यही एक ख्वाब है सर। वैसे आपका क्या ख्वाब था? मेरा ख्वाब एक बहुत लंबी कहानी है। पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, सर ये सब मफरूजे हैं, ये झूठ है। नेशनलिज्म वो नशा है जिससे हम जैसे नौजवानों को जंग के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सर आप जरा न्यूट्रल होके सोचें, क्या आज तक जंग किसी मसले का हल बनी है? हमेशा मसाइल का हल टेबल टॉक पर होता है, मुजाकरात से हल की जाती हैं बातें। अगर किसी ने आपके सर पे बंदूक रखी हो और गलत काम करने को कह रहा हो तो न्यूट्रल कैसे रहा जा सकता है? तो गोया सर आप जंग की हिमायत कर रहे हैं। सर आप ये मत भूलें कि नो वेपन हैज एवर सेटल्ड अ मॉरल प्रॉब्लम। मैं जंग की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, उसकी हिमायत में नहीं हूँ। कोई भी जीहोश इंसान, जियाकल इंसान जंग की हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने दुश्मन को मुजाकरात की टेबल पर बिठाना है तो उसको ये बावर कराना पड़ेगा कि उसकी दौंस से, उसके असलहे से, उसके वसाइल से हम नहीं डरते। दरअसल हक व बातिल की जंग में बेटा असल हथियार जज्बा ईमानी है। जज्बा ईमानी? सर व्हाट आर यू रीडिंग नाउडेज? सर जंगे सरमाए से लड़ी जाती हैं और वसाइल का तकाजा करती हैं। और आप ये बात मत भूलें कि जंग से भयानक चीज़ कोई नहीं है। और ये सारी किताबी बातें, द वॉर इज नॉट प्रैक्टिकल सर। फहीम, अगर ये बातें प्रैक्टिकल ना होती तो तहरीक आज़ादी कश्मीर कब की दम तोड़ चुकी होती। 1947 से हमारे दिल इन मजलूम कश्मीरियों के लिए धड़क रहे हैं। हम इनसे मिले नहीं हैं, लेकिन 1947 से हम इनके साथ हैं, जज्बे ईमानी की वजह से। वॉर इकोनॉमी सर, वॉर इकोनॉमी, सारी दुनिया वॉर इकोनॉमी पे चल रही है और हम जैसे जज्बाती नौजवान इसका फ्यूल है, और आप जैसे दानिशमंद लोग भारी भरकम डिफेंस बजट का जवाब फराहम करते हैं, और ये सारे टैक्सेस हमारी जेबों से जाते हैं, और आखिर में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ये दिफा का बड़ा बजट हमारी वजह से थोड़ा ही होता है, हमारी जाती ख्वाहिश थोड़ी ही है, जमीनी हकायक हैं ऐसे। दुश्मन को देखो, हमसे 3 गुना बड़ा है वो, 3 गुना। और जब से पाकिस्तान का कयाम हुआ है उसके सर पर जंग का जुनून और मजहबी शिद्दत पसंदी सवार है। क्या करें उसके लिए? सरहदों पे हमारे बच्चे मार देते हैं ये। इन हकायक को नहीं देखेंगे तो हम खुदकुशी की तरफ चले जाएंगे। ये खुदकुशी के मुतरादिफ है इन लोगों को नजरअंदाज करना। अगर सरहदों पे हमारे मुहाफिज तैनात नहीं होंगे बेटा तो हमारा आम शहरी सुकून की नींद कैसे सोएगा? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जंग की शुरुआत घर के तहफ्फुज़ से ही होती है, मगर इसका इख्तिताम एक बहुत बड़े सानिया पर होता है, चाहे वो World War I हो या World War II। सर ये फौजें ही तो थीं कि जिन्होंने इख्तदार की लालच में लाखों लाखों मजलूम लोगों का कत्लेआम किया। चंद हाकिमों के गलत फैसलों को सिपाही पर नहीं थोपा जा सकता। सिपाही इज अ प्योर सोल, अ सोल्जर फाइट्स नॉट बिकॉज ही हेट्स हिज एनिमी बट बिकॉज ही लव्स हिज ओन कंट्री। सर जंग एक मॉन्स्टर है, बला है, ये इंसानी खून की प्यासी है। लाखों इंसानों का खून पीकर भी इसका पेट नहीं भरता। और सर यही फरसूदा सोच की वजह से हर साल तालीम और सेहत के बजाय दिफा पर अरबों रुपया लुटा दिया जाता है, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता। अरबों क्या, अगर खरबों भी खर्चो तो कम है, क्योंकि ये आजादी की कीमत है, जानों से दी है हमने।
आजादी बेशकीमत होती है बेटा। चाय सर। गाड़ी की रवानगी में देर थी तो मैंने सोचा आपकी दावत की जाए। आप कुछ सोच रहे थे सर? हाँ, मैं सोच रहा था नजीर खान के आजादी की क्या कीमत होगी, और वो कौन सी ऐसी शय है जो एक सिपाही को इस महाज पर लेकर आई। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी शय यहां तक लेकर आई है? मुझे सर वतन की मोहब्बत यहां लाई है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। सर ये वतन की मोहब्बत ही तो है जो हमें घर से दूर गोलियों की बौछाड़ में लड़ने का हौसला देती है। और लोग समझते हैं कि हम यहां सिर्फ लेफ्ट राइट करते रहते हैं। सब लोग तो नहीं नजीर खान, हाँ मगर कुछ लोग ऐसा जरूर सोचते हैं। खैर ये जरूर चूड़ियां हैं मुन्नी की, है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना सर। उसने मुझे खत में लिखा है कि बाबा जान मेरे लिए चूड़ियां लेकर आना। सर आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको खत पढ़ के सुनाऊं। नजीर खान ये खत तुम मुझे बहुत बार सुना चुके हो। तुम्हें याद है वो तूफानी रात जिस रात हम पर दुश्मन ने हमला करा था? लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, आज तुम फिर सुनाओ, मैं सुनूंगा। बहुत मेहरबानी सर। सर मुन्नी ने लिखा है, प्यारे बाबा जान अस्सलाम वालेकुम। कल स्कूल में 14 अगस्त की तकरीब थी, मैंने कश्मीर पर तकरीर की, जैसे आपने सिखाया था बिल्कुल वैसे। सब ने बहुत तारीफ की, वहाँ सब के अम्मी अब्बू आए थे, आप होते तो बहुत खुश होते। अम्मी सलाम कह रही हैं, उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, आप उनसे पूछिएगा मत, उन्होंने आपको बताने से मना किया था, कहा था कि आप महाज पर हैं। पापा हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब आएंगे? जब भी आए मेरे लिए सफ़ेद और हरे रंग की चूड़ियाँ लाइएगा, हमारे सब्ज़ हलाल परचम जैसी। अच्छा बाबा खुदाफिज़, आपकी मुन्नी जो हर वक्त अपने बाबा को याद करती है। नजीर खान तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम जब ये चूड़ियों का डब्बा मुन्नी के पास लेकर जाओगे वो खिलखिलाकर हंसेगी। बल्कि काम करो, ये किताब भी उसे मेरी तरफ से देना। शेक्सपियर सर, वो इसका क्या करेगी? अरे पढ़ेगी, आज नहीं तो कल लाजमी पढ़ेगी, और फिर हैमलेट की तरह बोलेगी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वाह वाह सर, बहुत खूब। समझ तो मेरे कुछ भी नहीं आया, लेकिन मेरा जी बड़ा खुश हुआ है सर। सर आप वो वहाँ क्यों नहीं चले गए, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ वो थिएटर, यहाँ कैसे आ गए? नजीर खान कॉलेज में मैंने बहुत थिएटर किया, बहुत ड्रामे किए, फिर सोचा कि कुछ असल जिंदगी में भी आकर देखें। बहुत डायलॉग बोले, जैसे करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और, फिर मैंने सोचा कि एक बाल का भी शाहीन बनकर देख लेते हैं। आसान बाश जवान, ये आम रूटीन की परवाज है, आदत सी हो गई है सर। वैसे सर आप एक्टर भी तो बन सकते थे, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते थे, फिर फौज में क्यों? कोई वजह तो होगी। वजह थी नजीर खान, एक शख्स मेरी जिंदगी में आया था जिसने हमेशा हमेशा के लिए मेरे सोचने का दायरा कार्य बदल दिया। हुब्बुल वतनी, कौम परस्ती, सर आज फिर वही बातें। आपका ये जुमला सुन के मुझे सैमुअल जॉनसन की एक बात याद आ गई, वो कहता था पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंडरल। लेकिन बेटा ये नजरियात कोई खत्म नहीं कर सका, ना जंगें खत्म हुई ना हुब्बुल वतनी। और सच बात तो ये है बेटा कि मौरखीन, तारीख लिखने वाले हमेशा उसी सिपाही का जिक्र करते हैं जिसने सरहदों पर अपने खून से दास्तान लिखी। सर आपकी इसी सोच की वजह से बेतहाशा जंगें बर्पा हो गई, और जंगों का फल सिर्फ उन्हें मिला जिन्होंने जंगों में कोई कुर्बानी नहीं दी, और जो शहद हैं उन्हें तोपों की सलामी। और सर आप माने या ना माने यही कड़वा सच है, जंगों के रीजंस नहीं होते बेटा,
इसमें नफा नुकसान नहीं तोला जा सकता जिस तरह से लोग तोलते हैं। सिपाही जब जंग में उतरता है तो उसका एक ही मकसद होता है, जान लो या जान दो। और उसका मकसद असल में होता है अपने मुल्क की हिफाजत कर, और कुछ भी नहीं। जिसके लिए वो जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। जिंदा रह जाए तो गाजी, मारा जाए तो शहीद। यही तो वो सोच है जिसकी वजह से हम बेतहाशा असला खरीदते हैं और उससे ला हासिल जंगें होती हैं। असली की अहमियत नहीं होती बेटा, अहमियत उस हाथ की होती है जिसमें असला है। नाउ रिमेंबर, टू टेक आउट अ बैड गाय विद अ गन, यू नीड अ गुड गाय विद अ गन। अगर फौज हमारी सरहदों की हिफाजत नहीं करेगी बेटा, तो दुश्मन को रोकेगा कौन, ये बताओ। सर एक मिनट के लिए आप ये सोचें कि आप इन सरहदों से बालातर हैं और अपने आप को पूरी दुनिया का शहरी डिक्लेयर कर दें, आपको पता है क्या होगा? पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा, कोई जंग ही नहीं होगी, इजी। अगर तुम्हारा फलसफा इतना अच्छा या स्ट्रांग होता बेटा, तो पूरी दुनिया इस वक्त अमन का गहवारा होती। ऐसा है नहीं, क्योंकि ताकतवर हमेशा कमजोर का इस्तेहसाल करता है, हमेशा। और कमजोर को बचाने के लिए फौज चाहिए, सिपाही चाहिए। ये फौज कभी खत्म नहीं की जा सकती, हमें फौज की जरूरत है बेटा। सर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर आपका मुझ जैसा बेटा होता तो आप कभी उसे फौज में जाने देते? था मेरा बेटा, एक ही बेटा था, फौज भी ज्वाइन की उसने, शहादत का जाम भी नोश किया। I'm sorry सर। कोई बात, पर बेटा अगर एक और बेटा होता ना तुम्हारे जैसा मेरा, तो मुझसे पूछता फौज में जाना है तो मैं तो रोकता नहीं। सर सर, कैप्टन शहबाज बता रहे थे कि आप LOC पे जख्मी हुए थे। वो जख्म नहीं था नजीर खान, वो तो तमगा था, और इसी तमगे के लिए तो मैं यहां पर आया हूं। वैसे नजीर खान, मौत को तो तुमने भी बहुत करीब से देखा होगा। हाँ सर, बहुत करीब से, बहुत करीब से सर। मैं बॉर्डर पर था, दुश्मन ने बहुत शदीद गोलाबारी की, एक गोला बिल्कुल मेरे करीब फटा, तो मुझे ऐसा लगा कि नजीर खान आज तुम शहीद हो गए। आंखें बंद होने के बाद तुमने क्या देखा नजीर खान? मैंने देखा सर, मैंने देखा। बाबा आप आ गए, बहुत याद आ रही थी आपकी। बाबा बाबा ये आपको क्या हुआ है? बाबा क्या हुआ है आपको? बाबा चोट लगी है आपको? बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा बाबा नजीर, सॉरी सर, मैं बस यादों में खो गया था। सॉरी की जरूरत नहीं है, हम महास पर नहीं छुट्टियों पर हैं, और वैसे भी ट्रेन आने का टाइम हो गया, तो तुम सामान बांधो। जी सर। सर आपकी फैमिली तो कराची में है ना? सुना है वहाँ पर बहुत बारिशें हो रही हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बारिश में खूब मजे करना सर। बारिश तो हो रही है नज़ीर खान, लेकिन मैं कराची नहीं सखर जाऊंगा। सखर? सखर क्यों सर? एक माँ को उसके बेटे की आखिरी अमानत पहुंचाने, ये तस्वीर मुझे कैप्टन सफदर ने दी थी और कहा था जब मैं शहीद हो जाऊं तो ये तस्वीर मेरी माँ तक पहुंचा देना।
और उन्हें बता देना कि उनके बेटे ने अपना फर्ज अदा किया।